Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another haul video guys. So today I am going to share wedding guest outfits like mehndi, sangeet, haldi, cocktail, reception and barat. So first I want to talk about this beautiful corset jo maine wear kiya hua hai. Mujhe एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्यारा ये देखने में होगा. एग्जैक्टली सिल्क वाला लुक दे रहा है. यहाँ पे कोई बटन्स नहीं है, ये फेक लुक क्रिएट किया गया है. इसका जो पैटर्न है दैट इज काफी वाइड. अगर आप अपनी वेट को लेके कॉन्शियस हो ना, जिन लोगों के बेली बटन्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली इसे स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि आप बिल्कुल भी मोटे नहीं लगोगे. एंड ये बेल काइंड ऑफ स्लीव बहुत प्यारा लग रहा है, ये कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है. एंड इसके नीचे ट्राउजर आई है, इसमें पीछे इलास्टिकेशन आएगा, फ्रंट में नहीं आएगा. सिगरेट काइंड ऑफ पैटर्न है इस ट्राउजर का, दोनों साइड पॉकेट आए हैं. इसकी भी लुक कितनी प्यारी लग रही है, मतलब सेपरेटली यू कैन स्टाइल. एंड ये एथनिक इंडियन मीन्स शादी पार्टीज में भी स्टाइल किया जा सकता है, अदरवाइज यू कैन स्टाइल इन डिफरेंट ओकेजन. तो ये मुझे बहुत काम की चीज लगी एंड वो भी अंडर बजट, लाइक 1000 की प्राइस में. एग्जैक्टली प्राइस स्क्रीन पे देख लेना जो अभी करंट प्राइस होंगे, क्योंकि मुझे बाइक की में काफी टाइम हो जाता है. एंड सो ब्यूटीफुल गाइस. नेक्स्ट भी इसी तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल सी इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ कॉर्ड सेट है जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी. एंड ये मुझे बाइक की में काफी टाइम हो गया, मतलब इतना प्यारा सेट किसी की नजर कैसे नहीं गई. सो ये पूरा काफ्तान पैटर्न में है. आप अगर अपनी वेट को लेके कॉन्शियस हो या फिर आप किसी भी वेट साइज में हो, इसमें आप बहुत ही प्यारे लगने वाले हो. तो ये है, सॉरी ये लास्ट वीडियो में मैंने इवन वेयर किया था. ब्राउन काइंड ऑफ कलर है, ये मुझे पड़ी है 1399 रुपीज में. एंड टोटली वर्थ इट गाइस, बहुत प्यारा गोल्डन इस काइंड ऑफ कलर है. एंड सेम इसकी ट्राउजर आई, ट्राउजर में दोनों साइड पॉकेट्स आएंगे. एंड ये वाली जो फैब्रिक है ना, स्ट्रिंचिंग काइंड ऑफ, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है. एंड ये भी मैंने स्टाइल किया है विथ इंडो वेस्टर्न लुक. शादियों में वेयर करने के बाद सेपरेटली यू कैन स्टाइल इन डिफरेंट ओकेजन, डिफरेंट बर्थडे पार्टीज एंड एवरीथिंग. तो ये दोनों चीजें तो बहुत ज्यादा काम की मुझे लगी. एंड अभी कॉर्सेट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो यू शुड डेफिनेटली बाय दिस, यह बहुत प्यारे लगे. अब बात करते हैं हल्दी की. तो हल्दी में के लिए मुझे परफेक्टली ब्यूटीफुल आउटफिट लगा ये. इतना प्यारा सेट है ना बीबा की तरफ से, एंड बहुत प्यारा लगा मुझे ये. बहुत अच्छी फ्लेयर घेर आ जाती है एंड इसके अंदर लाइनिंग भी है फ्रंट से. ये हाई है एंड नीचे से बैक साइड से आपको लो आएगा. तो हाई लो वाला कुर्ता कुर्ती आपको मिल जाती है, अंदर लाइनिंग मिल जाती है. देन फॉइल प्रिंट मस्टर्ड कलर का ये कुर्ता है. मैंने साइज बाय करी है 36, मुझे बहुत अच्छे से फिटिंग में आई है. एग्जैक्टली मैंने इसकी नहीं बताई, इससे ये एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इस या स्टॉक में आ रहा है जा रहा है. तो ये मैंने बाय करी एक्सरसाइज में एंड मुझे अच्छी आई है क्योंकि ये वो वाली फैब्रिक है ना, तो मुझे अच्छा से आ गई. एंड ये कॉर्सेट मैंने बाय किया लार्ज साइज में क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा फिटेड तो नहीं होगा, ये फ्रंट में बटन होंगे शायद, तो इसलिए मैंने साइज बड़ा मंगाया, पर मुझे सही लग रहा है. ओके अब ये बीबा वाली कुर्ता सेट की बात करूं, ये बहुत प्यारा सेट है गाइज. बहुत लोगों ने बाय किया, मेरा भी दिल कर गया कि मैं भी इसे बाय करूं. तो यहाँ पे नीचे धोती वाला ट्राउजर आता है एंड ये भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल में, दोनों अभी तक जो भी मैंने दिखाया ना सारे बहुत सॉफ्ट मटेरियल में है. इसकी भी क्वालिटी ऐसी है कि यू कैन स्टाइल विथ डिफरेंट कुर्ताज. इवन ये धोती पैंट अभी ना शर्ट के साथ भी काफी चले हुए हैं, तो ये आप मिक्स मैच भी कर सकते हो. ये चीजें मैं देख के परचेस करती हूँ कि मैं एक ओकेजन के अलावा भी कितने मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना सही होता है. अब लहंगे, तो लहंगे को हम कैसे बोल सकते हैं भाई, शादी में लहंगा ना हो नहीं. तो यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे एक बहुत प्यारा सा लहंगा मैंने बाय करा है एंड इसकी फिटिंग थोड़ी सी लूज है, मुझे चेंज करवाना होगा. मैंने मीडियम बाय करा है, मुझे स्मॉल परफेक्टली आती है स्ट्रेंजली. एंड ये पूरा फुल स्लीव आया है. ओके यहाँ पे टिक टैक वाली बटन्स आई है स्लीव में, फुल स्लीव है गाइस, चूड़ी वाली स्लीव है. एंड फैब्रिक बहुत अच्छी है, जॉर्जेट की फैब्रिक है, पूरी लाइनिंग इनसाइड आउट आ जाएगी. बैक साइड में दो डोरी दी गई है जिसमें इस तरह से टैसल्स हैंग कर रहे हैं कंट्रास्ट में.
एनी चिक बहुत अच्छा सा फ्लेयर आया है। बिलीव नहीं हुआ कि ये थाउजेंड थाउजेंड या 1200 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत सस्ती थी ये, अपने प्राइस पॉइंट से बहुत सस्ती थी। मतलब लहंगे मैंने आज तक इतने सस्ते बाय नहीं किए हैं स्टिच वाले। तो ये स्टिच में बहुत अच्छा सा फ्लेयर आ रहा है, यहाँ पे बहुत वाइड सा बेल्ट आ रहा है, ये भी मुझे थोड़ा सा लूज है, तो यहाँ पे थैंक गॉड दो डोरी दी गई है जिससे मैंने अच्छे से फिटिंग कर ली। एंड यहाँ पे ये बकल आया है एंड एक जिप आई है अंदर से, बहुत अच्छी सी लाइनिंग आई है इसकी फ्लोइंग वाला, मतलब इतना फ्लोई है ना कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है पहनने के बाद। एंड इसके साथ लाइट कलर की, मस्टर्ड काइंड ऑफ कलर की दुपट्टा आई है और गेंजा फैब्रिक में, एंड उसमें पिंक कलर की यहाँ पे कुछ जेक जेक वाले पैटर्न दिया गया है। जैसे बारात में आप बहुत हेवी वेयर नहीं करना चाहते, खुल खुल के डांस करना चाहते हो, या फिर इवन यू कैन वेयर इन मेहंदी, संगीत में वेयर कर सकते हो यार, लहंगे का लहंगा हो जाएगा। एंड स्टाइल मतलब जिनका बजट कम है, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी में लहंगा इस बजट में, जस्ट ग्रेट बाय। ओके सॉरी, इस बीबा वाले जो कुर्ता मैंने दिखाई ना उसके साथ मस्टर्ड कलर की इस तरह की नेट, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी की नेट की दुपट्टा है, एंड उसमें बॉर्डर्स बने हुए हैं सेम फैब्रिक के जिसकी कुर्ता है, नो ट्राउजर है। ओके लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये लास्ट टू लास्ट में मैंने बाय किया था एंड इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगा कि आई थॉट आई शुड इंक्लूड दिस एज वेल, क्योंकि ठंड तो अभी है गाइस, तो अगर इन केस आपकी सिटी में ठंड हो तो जस्ट बाय दिस, बिल्कुल रिग्रेशन नहीं होगी, इतना प्यारा सेट है। ये ट्राउजर है, इसमें इलास्टिकेशन आई है, वेलवेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड दुपट्टा जो आया है वो भी वेलवेट का ही है, सेम वर्क इसमें भी आ जा रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो वेलवेट का कुर्ता है ना उसमें भी अच्छी सी लाइनिंग दी गई है, ये उल्टी है, अच्छी सी लाइनिंग दी गई है, एक्सेल साइज मैंने बाय करा है, एंड इसकी जो वर्क है ना दैट इज सो सटल, इतनी रॉयल, इतना एक्सपेंसिव लुक दे रहा है ना, पहनने के बाद बहुत ज्यादा अल्टीमेट लग रहा है। तो गाइस जस्ट हैव इट, ये ब्लैक कलर में ऐसे देख लेना, कलर ऑप्शन है या नहीं मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे टाइम हो गया ये बाय किए हुए, एंड प्राइसेस भी मुझे याद नहीं है, मगर ये 2000 के रेंज में था या 1600-1700 में। तो सारी की स्क्रीन पे मैं डिटेल देती जाऊंगी एंड सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपको कैसे लगे आज के कलेक्शन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बहुत ही प्यारे प्यारे कुर्ताज मैंने बाय किए हैं फॉर बसंत पंचमी, कुर्ता सेट्स अंडर बजट वाले, तो वो भी जाके देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।